को डिस्कस किया। उसके बाद रेल की डिस्कशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था, दैट वाज अबाउट द डिफरेंट फास्टनर्स और फिटिंग्स, जो नट्स और बोल्ट्स या जो कनेक्शन मैकेनिज्म है रेलवे ट्रैक का, उसको डिस्कस किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्लीपर्स को डिटेल में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम बेलास्ट को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम बेलास्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है छोटा छोटे से चंद टॉपिक्स हैं जो इस कोर्स कंटेंट का हिस्सा थे, जैसे टंग और स्विच रेल है, ठीक है, और वो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस जो है वो रेलवे स्टेशन के हवाले से कुछ बातें हैं, वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिलास्ट, व्हाट इज बिलास्ट? ठीक है, बिलास्ट मैंने आपको बताया था कि द स्टोन एग्रीगेट विच आर देयर टू ट्रांसफर द लोड, ठीक है, विच आर देयर टू होल्ड द रेल एज वेल एज द स्लीपर्स एंड इन ऑल्सो ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्लीपर्स टू द फॉर्मेशन। क्या करता है, यानी सबसे पहले जो इनिशियली लोड आता है वो ये इन रेल गर्डर्स के ऊपर आता है। इन रेल गर्डर से ये लोड ट्रांसफर होता है टू दीज स्लीपर्स, और स्लीपर्स ये लोड ट्रांसफर करती है टू द फॉर्मेशन। नीचे जो फॉर्मेशन है, जो इसको फाउंडेशन आप इन 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 केस आप इसको कह सकते हैं, टू द फॉर्मेशन थ्रू दिस एग्रीगेट, थ्रू दीज एग्रीगेट एंड दीज एग्रीगेट आर कॉल्ड एज बलास्ट। अब ये जो एग्रीगेट जो है, इसके दो फंक्शंस हैं। एक तो ये जो रेलवे ट्रैक है उसको होल्ड करने में मदद देता है, ठीक है ना, इसको मजबूती के साथ पकड़ पकड़ के रखता है, ये जितने भी स्लीपर्स हैं, ठीक है। तो ये आगे पीछे जो है वो उसकी मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, एक तो ये इसका फायदा है। दूसरा ये है कि ये क्या करता है, ये जो है वो लोड को भी ट्रांसफर करता है टू द फॉर्मेशन। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ द बेलास्ट, बेलास्ट क्या है? इट इज अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स, इट इज अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट्स या ग्रेवल, ठीक है, विच आर प्लेस्ड एंड पैक्ड बिलो एंड अराउंड द स्लीपर्स, यानी बिलो यानी स्लीपर्स के नीचे भी और स्लीपर्स के अराउंड भी इसको जो है वो पैक किया जाता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम द स्लीपर्स टू द फॉर्मेशन। यानी इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम द स्लीपर्स टू द फॉर्मेशन। इसका दूसरा और अहम इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ड्रेनेज एंड स्टेबिलिटी टू द ट्रैक, ये ड्रेनेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू द ट्रैक एज वेल एज इट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ट्रैक। नेक्स्ट क्या इसका फंक्शन है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लेवल एंड हार्ड बेड, यानी एक सरफेस, एक हार्ड और एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द स्लीपर्स टू रेस्ट ऑन, ताकि स्लीपर्स उसके ऊपर जो है वो प्रोवाइड किए जा सके। एंड लास्ट, इट होल्ड्स द स्लीपर इन इन पोजिशन, यानी स्लीपर्स को ये एक प्रॉपर पोजिशन में मेंटेन रखने में भी मदद देता है। तो ये तमाम जो है वो बेलास्ट की इंपॉर्टेंस है या बेलास्ट की जो जो है वो यूटिलिटीज है। अच्छा, ये बेलास्ट वी यूजुअली प्रोवाइड, यहाँ पे तो जो नंबर 4 कैटेगरी है विच इज द ब्रोकन स्टोन बेलास्ट, ये सबसे ज्यादा और कॉमन टाइप है बेलास्ट की। लेकिन इसके अलावा सैंड बेलास्ट भी हो सकता है, मूरम बेलास्ट भी हो सकता है, कोल एश का भी बेलास्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं जिसके बेलास्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सैंड, यू ऑलरेडी नो सैंड, जो सैंड नॉर्मल सैंड है, ठीक है, उसका भी बेलास्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मूरम क्या है, मूरम इट्स अ काइंड ऑफ रेड, वो जो सुर्ख सी मिट्टी होती है जिसमें स्टोन्स भी होते हैं, राउंड स्टोन्स, अक्सर वो जलोजेक का में आप लोगों ने देखा भी होगा, जो जलोजेक की जिस तरह की मिट्टी है जिसमें एग्रीगेट्स भी हैं और मिट्टी जो है बिल्कुल सुर्ख कलर की है, तो इस टाइप ऑफ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मूरम, ठीक है, बेलास्ट।
तो उससे भी बेलास बनाए जा सकते हैं। कोल ऐश इट्स ऑल्सो वन ऑफ अ मटीरियल विच जो कोल के बाय प्रोडक्ट्स हैं, कोल की जो एग्रीगेट्स हैं जो कोल माइन से निकल के आते हैं, तो उसके भी बेलास प्रोवाइड कर सकते हैं। और ब्रोकन स्टोन जो नॉर्मल एग्रीगेट्स हैं तो उसके भी बेलास्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये तमाम बेलास जो हैं, हर एक की अपनी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, प्लस उसकी अपनी सुटेबिलिटी है। अगर सैंड बेलास्ट की बात करें तो ये सस्ता है, चीप है, और इसकी ड्रेनेज प्रॉपर्टीज भी बड़ी अच्छी है। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये नॉइज इससे प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। और कास्ट आयरन के जो स्लीपर्स हैं उसके लिए, उसमें ये एक पैकिंग का काम देता है। पैकिंग का क्या मतलब है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो चौकाट बनाते हैं घरों में, तो वो उससे बनाते हैं, ये जो आपके पास आयरन जो स्टील के बनाए जाते हैं, तो उसको अंदर से फिल करते हैं, वरना फिर ये आवाजें उसमें से आ रही होती हैं, वैक्यूम साउंड्स आ रही होती हैं बाहर, तो उसको सैंड से फिल करते हैं। तो ये जो कास्ट आयरन के बिलास सॉरी स्लीपर्स हैं, उसको पैक करने में भी ये एक जो है हेल्प आउट करता है। डिसएडवांटेजेस की ये क्या है कि ये एक्सेसिव वेयर यानी वेयर एंड टेयर की वजह से आ सकती है, यानी बड़े जल्दी ये खराब हो जाता है जो सैंड के ब्लास्ट है। क्यों खराब होता है, बिकॉज इट ब्लोज ऑफ इजिली, हवा में उड़ जाता है, क्योंकि ये हल्का है, और जब भी हाई स्पीड ट्रेन उसके ऊपर गुजरती है और या कोई तेज हवा आंधी वगैरह आती है, तो उसके साथ क्या होता है, ये उड़ जाता है, ठीक है। पुअर रिटेनिटिविटी है, यानी रिटेन नहीं होता अपनी जगह पे, एंड ट्रैक कैन नॉट बी मेंटेन टू हाई स्टैंडर्ड्स, ठीक है। बार बार उसको स्टैंडर्ड मेंटेन रखना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट सुटेबल फॉर कास्ट आयरन स्लीपर्स बट नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ट्रैक्स। क्यों, क्योंकि हाई स्पीड ट्रैक पे बड़ी तेजी से ट्रेन गुजरती है, जिसकी वजह से ये ब्लोज ऑफ हो जाती है। मुरम के बलास्ट भी चीप है, इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम परकोलेटिंग एंड प्रोवाइड्स गुड एस्थेटिक्स, बट उसके नुकसान जो है वो ज्यादा है, बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट और मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक इज डिफिकल्ट, एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रैक जो है वो उस हिसाब से नहीं होती जितनी की एक रिकमेंडेड क्वालिटी होनी चाहिए। इट इज यूज्ड एज अ सब बेलास्ट, प्रॉपर बेलास्ट के तौर पर अक्सर यूज नहीं किया जाता, बल्कि एज अ सब बेलास्ट। सब बेलास्ट का क्या मतलब है, यानी नीचे प्रोवाइड करते हैं इसकी एक लेयर और उसके ऊपर जो प्रॉपर एग्रीगेट की बेलास्ट है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद कोल ऐश जो है उसके भी बेलास्ट हो सकते हैं। इट इज वेरी चीप, इजीली अवेलेबिलिटी अगर है, एंड इट हैज अ वेरी गुड ड्रेनेज एज वेल, बट इसके नुकसान इसके भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट्स हार्मफुल फॉर स्टील स्लीपर एंड इट हेल्प, क्योंकि इसकी वजह से स्लीपर जो है वो कोरोड हो जाती है, कोरोजन इसकी वजह से हो सकती है, एंड इट इट सॉफ्ट एंड इजीली पल्वराइज एंड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। नॉर्मली यूज इन यार्ड एंड साइडिंग, यार्ड क्या होती है ये आगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉट फिट फॉर हाई स्पीड ट्रैक्स, ये भी हाई स्पीड ट्रैक्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट कॉमनली यूज है, दैट इज द ब्रोकन स्टोन या एग्रीगेट बिलास्ट। इट इज हार्ड, ड्यूरेबल, ठीक है, गुड ड्रेनेज, स्टेबल एंड इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन। इनिशियली तो इसकी कॉस्ट शायद ज्यादा हो इन इन बाकियों से, बट इन द लॉन्ग रन जो है उसकी कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि ये आपको पैसे बचाता है बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी। ये लॉन्ग, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा है, बट डिफिकल्टीज इन प्रोक्योरमेंट एंड एंगुलर शेप्स में इंजर वुडन स्लीपर्स, ठीक है। प्रिक्योरमेंट, प्रिक्योरमेंट क्या होती है, यानी उसकी उसको एक्वायर करना है, उसको खरीदना या माइन करके स्टोन एग्रीगेट को निकालना फ्रॉम द स्टॉक, तो ये सारा उसको कहते हैं प्रिक्योरमेंट। तो प्रिक्योरमेंट थोड़ी सी इसकी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको क्रशर प्लांट से गुजार के उसको तोड़ना पड़ता है। प्लस उसकी एंगुलर शेप होती है, जो कि वुडन स्लीपर्स को कभी कभार जो है वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सुटेबिलिटी फॉर पैकिंग विद ट्रैक मशीन्स एंड सुटेबिलिटी फॉर हाई स्पीड ट्रैक, इन शॉर्ट दिस इज सुटेबल फॉर एवरीवेयर, ठीक है। इट कुड बी यूज फॉर हाई स्पीड ट्रैक, इट कुड बी यूज फॉर लो स्पीड ट्रैक, जहां पे भी है ये हर जगह पे इसको यूज किया जा सकता है।
ये तो हमने डिफरेंट ब्लास्ट पढ़े। अब ये जो ब्लास्ट, अगर हम स्टोन एग्रीगेट की ब्लास्ट की बात करें, तो हर एक एग्रीगेट का अपना एक साइज होता है। तो इसमें कौन से साइज के एग्रीगेट जो है वो आप एज अ ब्लास्ट यूज कर सकते हैं? प्रीवियसली 2 इंच एंड 1.5 इंच के जो एग्रीगेट थे, 2 इंच का क्या मतलब है, यानी उसमें जो साइज ऑफ द एग्रीगेट है दैट इज 2 इंचेस। ठीक है, एक सिंगल एग्रीगेट की आपके पास क्या होती है, सीव एनालिसिस करते हैं, और सीव एनालिसिस में जो 2 इंच एग्रीगेट्स हैं, यानी जो आपके पास सीव होता है, तो उसमें क्या होगा, जो 2 इंच सीव साइज होगा वो सारे के सारे उस पे रिटेन कर जाएंगे, और इससे जो 2 इंच से ऊपर वाला साइज होगा वो उससे पास कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 2 इंच साइज के एग्रीगेट्स थे वो यूज किए जाते थे फॉर कंक्रीट एंड वुडन स्लीपर्स, जबकि 1.5 इंच साइज के जो ब्लास्ट हैं वो यूज किए जाते थे फॉर मेटल स्लीपर्स, जैसे कास्ट आयरन के स्लीपर्स हैं या स्टील के स्लीपर्स हैं। इट वाज प्रीवियसली, यानी पहले इस तरह का ये तरीकेकार अडॉप्ट किया जाता था, बट नाउ टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी दिस 2 इंच साइज ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन अडॉप्टेड यूनिवर्सली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो ब्लास्ट हम यूज करते हैं तो ये कौन से साइज का ब्लास्ट यूज किया जाता है, तो द आंसर वुड बी दैट द साइज शुड बी 2 इंचेस, यानी 2 इंचेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप्स ऑफ स्लीपर्स, चाहे जो भी स्लीपर की टाइप होगी, तमाम स्लीपर्स के लिए 2 इंच के ब्लास्ट को यूज किया जाता है। द मिनिमम डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट, क्वेश्चन, मिनिमम डेप्थ इसकी क्या है, 15 से लेकर 20 सेंटी तक इसकी डेप्थ होनी चाहिए, यानी जो नीचे ये प्रोवाइड करते हैं बिलो द स्लीपर बेड इज नॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड ऑन रेलवेज। रेलवेज में ये 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक इसकी जो नीचे डेप्थ होगी वो 15 से लेकर 20 सेंटी तक प्रोवाइड की जाती है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेलास्ट के, वो क्या है, हम उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज द एग्रीगेट एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो उनके लिए कुछ मिनिमम रिकमेंडेशंस हैं कि इट शुड बी 30% मैक्सिमम, ठीक है, एंड 20% मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए एग्रीगेट की एब्रेशन और एग्रीगेट का इम्पैक्ट। ये जो टर्म ट्रांसपोर्टेशन 2 में जब आप जाएंगे तो उसके लैब में हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उस पे एक एग्रीगेशन एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट है, जिसमें क्या किया जाता है, एग्रीगेट की वेयर एंड टेयर को चेक किया जाता है कि जब उसको एग्रीगेट की वेयर एंड टेयर कितनी होगी, उसको एक ड्रम में रोटेट करते हैं और उस ड्रम में फिर जाके देखते हैं कि ये एग्रीगेट जो है कितनी जो है वो टूट गए हैं। तो वेयर एंड टेयर मतलब कि एग्रीगेट कितने कमजोर है या मजबूत है, हार्ड है, ड्यूरेबल है या वीक है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है, उसकी स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। सिमिलरली इम्पैक्ट में भी आप क्या करते हैं, उसमें भी आप एक टेस्ट है, इम्पैक्ट इज अ सडन अप्लाइंग लोड, ठीक है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड वेट होता है और उसको एग्रीगेट के ऊपर गिराया जाता है फ्रॉम अ सर्टन हाइट विच इज 38 सेंटीमीटर, ठीक है, तो और फिर देखते हैं कि कितना उसकी वजह से एग्रीगेट टूट गए हैं, तो वो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है। तो वो ये है कि 20% से ज्यादा जो है वो इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब 20% से ज्यादा एग्रीगेट टूटने नहीं चाहिए विद इम्पैक्ट, एंड विद एब्रेशन 30% से ज्यादा जो है वो टूटने नहीं चाहिए फॉर ब्रॉड गेट, मीटर गेट एंड नैरो गेजेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ ब्लास्ट के टेस्ट हैं रिकमेंडेड। अब रिक्वायरमेंट क्या है एक ब्लास्ट, आप लोगों ने, हमने जो पिछले 4 टाइप्स ऑफ ब्लास्ट पढ़े, तो उन चारों में से कौन सा बेहतरीन ब्लास्ट होगा, वो इन प्रॉपर्टीज की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि लेट सपोज एक ब्लास्ट जो है इट शुड बी टफ, इट शुड बी हार्ड, इट शुड बी क्यूबिकल इन शेप, यानी एंगुलर शेप होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन पोरस, यानी उसके अंदर पोर्स नहीं होनी चाहिए, इट शुड रिजिस्ट एब्रेशन, ये जो एब्रेशन टेस्ट की हमने बात की, जो वेयर एंड टेयर है, इट शुड बी ड्यूरेबल क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए वो इस्तेमाल के काबिल हो, एंड इट शुड अलाउ फॉर गुड ड्रेनेज, ठीक है,
एंड इट शुड बी इकोनॉमिकल एज वेल। तो ये प्रॉपर्टीज हैं फॉर अ गुड बेलास्ट। इफ एनी बेलास्ट हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज सुटेबल टू बी यूज्ड एज अ बेलास्ट मटीरियल। अब व्हाट इज स्क्रीनिंग ऑफ द बेलास्ट? स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? फिल्ट्रेशन, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, ये जो एग्रीगेट्स हैं, ये जो बेलास्ट के मटेरियल्स हैं, ये जब उसके ऊपर ट्रेन गुजरती हैं तो विद एक्सेसिव लोडिंग इसमें से एग्रीगेट टूट जाते हैं, ठीक है। यानी हमने तो 2 इंच साइज के एग्रीगेट यूज करने हैं, तो विद विद पैसेज एंड विद विद यूज ये जो एग्रीगेट्स हैं ये सारे के सारे टूट जाते हैं। जब सारे तो नहीं टूटते, लेकिन उसमें कुछ जो है प्रोपोर्शन के एग्रीगेट्स जो है वो टूट जाते हैं। अब जब टूटते हैं तो टूटने से नुकसान क्या होता है कि जो पिछले हमने डिस्कस किया, इट शुड अलाउ गुड ड्रेनेज, यानी ये ड्रेनेज को अलाउ करना चाहिए, पानी उसमें से गुजरना चाहिए, ठीक है। अब जब वो एग्रीगेट टूट जाते हैं तो उसके जो फाइन पाउडर फॉर्म है, तो वो पाउडर फॉर्म क्या कर लेता है, वो तमाम के तमाम जो एग्रीगेट के बीच में जो पोरस जो 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 वाइड्स हैं, जो गैप्स हैं, उन वाइड्स और गैप्स को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर देता है। अब उस ब्लॉकेजेस की वजह से फिर उसकी ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर नहीं होती, वाटर जो है वो उसके अंदर रिटेन कर जाता है, और जिससे जो है वो ट्रैक प्लस स्लीपर्स प्लस रेल्स तमाम जो है वो उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी एट स्टेक हो जाती है। सो इट्स बेटर, इट शुड हैव अ गुड ड्रेनेज कैपेबिलिटी। तो इसकी वजह से क्या की जाती है, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, यानी इस तमाम एग्रीगेट्स को एक चाण या चलनी से गुजारा जाता है। दिस इज डन थ्रू अ मशीन, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है, जो एग्रीगेट 2 इंच साइज के हैं वो वापस यहाँ पे यूज किए जाते हैं, और ये जो 2 इंच साइज से कम एग्रीगेट हैं या जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो उसमें से निकाल वायर किए जाते हैं, ठीक है। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। अब ये स्क्रीनिंग जो है किस तरह की जाती है, ये इस तरह की एक प्लांट है, एक मशीन है, जिसके में तमाम ट्रैक की स्क्रीनिंग की जाती है, तमाम एग्रीगेट जो है ये इस मशीन में से गुजारा जाता है। तो जो एग्रीगेट 2 इंच साइज या उसके इसके बराबर होंगे तो वो जो है वो वापस जो है वो ट्रैक के ऊपर डाल दिए जाते हैं, और जो एग्रीगेट 2 इंच साइज से कम है या पाउडर फॉर्म में है तो वो ये जो है वो मशीन उसमें से फिल्टर आउट कर देता है या स्क्रीन आउट कर देता है, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। अब ये स्क्रीनिंग कब की जाती है, ये तब की जाती है जब आपको ट्रैक रिन्यूअल करना पड़े, ठीक है, ये ट्रैक खराब हो गई है, उसको मेंटेनेंस है, उसको रिन्यूअल की जरूरत है, या जो है स्लीपर्स खराब हो गए हैं, स्लीपर्स की रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो ये चूंकि आपने वैसे भी ट्रैक को खोलना है तो इट इज बेटर कि उस टाइम पे फिर स्क्रीनिंग भी की जाए, ठीक है, एग्रीगेट की। या अगर आपने एंटायर ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग करनी है हर वंस इन एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में, अगर ना आपको रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है स्लीपर्स की, या ट्रैक को भी मेंटेन नहीं रखना, यानी रेल के जो गर्डर्स हैं उन इनको रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने क्या करना है, एवरी 10 ईयर, वंस इन 10 ईयर यू हैव टू डीप स्क्रीन द एंटायर ट्रैक, पूरे ट्रैक को डीप स्क्रीन करना जरूरी है, ठीक है। अब ये तो था हमारा ब्लास्ट के ऊपर कुछ डिस्कशन। अब आते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर। स्टेशन क्या होता है, इट्स अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, इट्स अ प्लेस वेयर द पैसेंजर एंड द लगेज इज बीइंग लोडेड एंड अनलोडेड, ठीक है। और जो है जो ट्रेन में बैठते हैं, और ट्रेन में एक सर्विस एरिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर द पैसेंजर्स, तो ये उस प्लेस को कहते हैं रेलवे स्टेशन। अब ये जो रेलवे स्टेशन है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेलवे स्टेशन, वन इज द फ्लैग स्टेशन एंड द अदर वन इज द ब्लॉक स्टेशन। फ्लैग स्टेशन वो स्टेशन होता है जिसमें जो है देयर आर अरेंजमेंट्स फॉर डीलिंग विद ट्रैफिक, बट नन फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ठीक है। जो मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन्स हैं वो उसके कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है।
यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये जो फ्लैग स्टेशन है ये एक टेम्परेरी सा स्टेशन है कि वहां पे ट्रेन अगर उसको अपनी मर्जी से रुक सकता है और अपनी मर्जी से अपनी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, दैट इज अ फ्लैग स्टेशन। और ब्लॉक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होता है विच कैन नॉट द ट्रेन कैन नॉट प्रोसीड फर्दर विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेशन, यानी उसको नेक्स्ट स्टेशन से परमिशन लेनी पड़ती है और नेक्स्ट स्टेशन से परमिशन लेने के बाद ही जो है वो ट्रेन मूव करती है टू द नेक्स्ट स्टेशन। तो वो स्टेशन जो है वो ब्लॉक स्टेशन कहलाता है। मेजॉरिटी जो स्टेशन हैं, जो परमानेंट स्टेशन, जैसे पिशावर स्टेशन है या रावलपिंडी स्टेशन है, ये तमाम की तमाम स्टेशन जो है ये ब्लॉक स्टेशन में कहलाती हैं, ठीक है। जबकि फ्लेक स्टेशन एक टेम्परेरी सा छोटा सा, अगर आप स्टेशन आप कह सकते हैं कि जहां पे जरूरत हो तो तब जो है ट्रेन रुकती है, वरना जो है ट्रेन यहाँ पे रुकती ही नहीं। यहाँ पे दिस इज अ टिपिकल व्यू ऑफ द स्टेशन, ठीक है, यू कैन सी। अब जब आप स्टेशन जो है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि स्टेशन की जब आप बनाते हैं तो उन उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि इट शुड हैव एडिक्वेट लैंड, ठीक है, क्योंकि स्टेशन एक बहुत बड़ी एरिया होता है जिसमें ट्रेन जो है वो उनकी पार्किंग प्लेसेस फॉर ट्रेन, जिसको हम यार्ड कहते हैं, वो होनी चाहिए। पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, स्टाफ के लिए और या कैफेज वगैरह जो है रिक्रिएशनल या रिफ्रेशमेंट के लिए प्लेसेस होनी चाहिए। तो ये उसके लिए पहली जो है वो प्रायोरिटी ये है या पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इट शुड हैव एडिक्वेट लैंड। अगर एडिक्वेट लैंड है तो तब उस जगह पे फिर आप स्टेशन बनाएं। को रुकने और कंटिन्यू करने में स्टार्ट होने में, अपनी मूवमेंट कंटिन्यू करने में फिर मुश्किलात होती हैं। अलाइनमेंट उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? इट शुड हैव अ स्ट्रेट अलाइनमेंट सो दैट जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। यानी जो जो ट्रेन है उसको दूर दूर तक वाइड एरिया जो है वो विजिबल हो। अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी, मतलब कर्व्स वगैरह होंगे, तो उसकी वजह प्रॉब्लम उसकी वजह से क्या होगी कि उसको जो आगे एरिया है वो फिर प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। इजी एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है? ऐसी लोकेशन होनी चाहिए उसकी कि जब लोग उस ट्रेन पे सफर करना चाहते हो उनके लिए उस जगह को पहुंचना जो है या वो आसान हो। मतलब ऐसी जगह पे स्टेशन आपने बनाना है जहां पे लोग जो है आसानी के साथ जो है वो वहां पे जा सके और फिर ट्रेन को इस्तेमाल कर सके। और लास्ट में वाटर सप्लाई अरेंजमेंट उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, पैसेंजर प्लस ऑपरेशनल नीड्स के लिए देयर शुड बी सफिशिएंट वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो तब जो है वो एक एक ये लास्ट प्रॉपर्टी एक रिक्वायरमेंट ये है कि इट्स द प्लेस और द साइट शुड हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर वाटर एज वेल। अच्छा, अब आते हैं यार्ड की तरफ। व्हाट इज यार्ड? रेल यार्ड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रेल यार्ड उस जगह को कहते हैं कि जहां पे जो है वो तमाम के तमाम ट्रेन जो हैं वो एक किस्म का पार्किंग एरिया है, जहां पे सॉर्टिंग, स्टोरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ रेल कार्स एंड लोकोमोटिव्स क्या किया जाता है। अक्सर ये होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि यार्ड के अंदर जो है जितनी भी बगीज है ना, ये जो रेल के डब्बे हैं, ये तमाम के तमाम यार्ड के अंदर खड़े होते हैं, ठीक है। और इस यार्ड के अंदर इट हैज अ सिस्टम ऑफ ट्रैक्स, यानी इट हैज अ नंबर ऑफ ट्रैक्स। सिर्फ एक दो ट्रैक नहीं होते बल्कि 10, 12, 15, 20 तक इसके अंदर ट्रैक्स मौजूद होती हैं। एक वाइड एरिया होता है विच हैज अ नंबर ऑफ ट्रैक्स, और वहां पे तमाम जो लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द इंजन की जाती है। लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द इंजन क्या क्या मतलब है कि लेट सपोज जब रश होती है, जब जैसे ईद के दिनों में जैसे लोगों का सफर जो है वो जो आमतौर पर ज्यादा बढ़ जाता है, तो तब क्या किया जाता है, इस इंजन के साथ लोकोमोटिव जो है वो ऐड की जाती है। यानी ये पीछे जो रेल के डब्बे हैं वो कम या ज्यादा किए जाते हैं,
डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो तब जो है वो तमाम की तमाम जो है वो जाके यार्ड में स्टोरिंग होती है उसकी, ठीक है। और स्टोरिंग के बाद जब जरूरत पड़ती है तो उसकी लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ टिपिकल व्यू ऑफ द यार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज आर देयर आर नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, अ नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं। और यहाँ पे इंजन के साथ यू कहें एक स्टोर एरिया है जिसमें जो है वो रेल के डब्बे हैं, वो सारे के सारे खड़े होंगे। एंड और फिर क्या किया जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो जो इंजन के साथ जो है वो जो रेल के जो केबिन्स हैं या डब्बे हैं वो उसके साथ लोड या अनलोड या अटैच किए जाते हैं। लास्ट में आपके पास क्या है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। व्हाट इज पॉइंट एंड क्रॉसिंग, यानी जो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि रेल के अंदर कोई स्टेयरिंग मैकेनिज्म नहीं है, स्टेयरिंग मैकेनिज्म नहीं है। इसका क्या मतलब है कि रेल जो है अपनी मर्जी से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है ना। इस ये डिपेंड करता है जो नीचे ट्रैक है, जो जब ट्रैक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो ये जो रेल ट्रेन है वो भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेल गाड़ी जो है वो किस तरह अपनी डायरेक्शन चेंज करती है फ्रॉम वन ट्रैक इनटू अनदर ट्रैक, ठीक है। तो उस तमाम मैकेनिज्म को कहते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग, या इसको हम टर्न आउट भी कहते हैं, टर्न आउट। अब क्या है, व्हाट आर पॉइंट एंड क्रॉसिंग आर प्रोवाइड टू हेल्प ट्रांसफर द रेलवे व्हीकल्स फ्रॉम वन ट्रैक इनटू अनदर ट्रैक, यानी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे रेलगाड़ी को शिफ्ट करने का के लिए जो प्रोसीजर है, जो तरीकेकार है, जो मैकेनिज्म है, वो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की मदद से की जाती है। अब इन पॉइंट्स को हम स्विचिंग एड्स भी कहते हैं, एंड इट हेल्प्स इन डाइवर्टिंग द व्हीकल, यानी व्हीकल को डाइवर्ट करने में या ट्रेन को डाइवर्ट करने में मदद देता है, ठीक है। अब उसका तरीका, अब कंप्लीट सेट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग अलोंग विद लीड रेल इज कॉल्ड अ टर्न आउट। ये जो कंप्लीट सेट होगा विद जिसमें पॉइंट क्रॉसिंग और लीड रेल ये तमाम चीजें जो है उस तमाम, जैसे हमारे पास रोड होता है तो रोड में क्या होती है, इंटरसेक्शन होता है कि नहीं होता। इंटरसेक्शन में वो तमाम जो चारों रोड आपस में मिलती हैं और वो जो एक वाइड एरिया उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। यहाँ पे रेल के अंदर, रेलवे के अंदर इसको टर्न आउट कहा जाता है। टर्न आउट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे रेल जो है अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है फ्रॉम वन ट्रैक इनटू अनदर ट्रैक। अब इस पॉइंट या क्रॉसिंग में या टर्न आउट में थ्री टाइप्स ऑफ रेल गर्डर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, अपना रोल प्ले करती है। एक को कहते हैं टंग रेल, दूसरा होता है स्टॉक रेल, और तीसरा होता है चेक रेल। यहाँ पे आप देख लें, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। इस इमेज में आपको आई होप दिस इज विजिबल टू यू। ये जो पहला जो ब्लू कलर में रेल आपको नजर आ रही है, दिस इज द स्टॉक रेल, ठीक है। एंड दिस इज द परमानेंट रेल, यानी ये अपनी फिक्स पोजिशन में होता है, ठीक है, दिस इज द स्टॉक रेल। और यहाँ पे जो है दिस इज द टंग रेल, ये जो छोटी सी रेल आपको नजर आ रही है ये येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, दिस इज बेसिकली द टंग रेल, या इस टंग रेल को स्विच रेल भी कहा जाता है, ठीक है, स्विच रेल या टंग रेल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो छोटा सा एक दूसरा रेल की छोटी सी पीस ऑफ रेल है दैट इज कॉल्ड द चेक रेल, ठीक है। चेक रेल, अब वन बाय वन आते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये है, ये टंग या स्विच रेल है। यहाँ पे देखें ये मोटर लगी हुई है, ये जब मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्लॉकवाइज जब रोटेट करेगा तो ये टंग जो है वो, अब इसको मूवेबल रेल भी कहा जाता है, इस टंग रेल को मूवेबल रेल भी कहा जाता है, यानी ये मूव करता है, कभी उस गर्डर के साथ यानी इस मेन स्टॉक रेल के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, कभी इसके साथ यानी जो इस साइड वाला है इसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। अब इसका तरीकेकार क्या होगा, इस मोटर को रोटेट किया जाता है, जब ये मोटर रोटेट होता है तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये
स्विच रेल जो है, या जो टंग रेल है, या जो मूवेबल रेल है, वो इस वाली रेल, इस ब्लू वाली रेल के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। ठीक है, जब ये अटैच कर लेता है तो तब जो है ट्रेन किस डायरेक्शन में मूव करती है, ये जो ट्रेन उसके ऊपर आ रहा है वो इस क्या कहते हैं, इस जिस साइड पे ये खुद को अटैच कर लेता है उस साइड के ये जो मूवेबल रेल है, पटली जो है बिल्कुल सीधी नहीं जाती, बल्कि किसके ऊपर जाना स्टार्ट कर लेती है, ये जो मूवेबल रेल है उसके ऊपर जो है वो ट्रेन मूव करना स्टार्ट कर लेता है। और उसका जो दूसरा पहिया है वो इस रेल को यूज करता है, ये जो ब्लू में नजर आ रहा है। ठीक है, अब जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में ये डिटैच हो जाता है, ये जो पोर्शन है ये डिटैच हो जाता है और ये पोर्शन जो है वो अटैच हो जाता है। जब ये पोर्शन अटैच होगा तो तब क्या होगा, तब जो है जहां पे ये टंग रेल अटैच होगा उस साइट पे जो व्हील है वो फिर ये मूवेबल या टंग रेल के ऊपर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि जब ये इसके ऊपर रेल गुजरती है तो अब ये तो डिटैच हो गया। अब जब ये डिटैच हो गया है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल थ्रू पेन। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगी। लेट सपोज दिस इज अ ट्रेन, ठीक है, जो कि इसके ऊपर मूव कर रहा है। अब करंट पोजीशन में ये जो ट्रेन है वो इस तरह मूव करेगा, क्योंकि ये जो स्विच रेल है ये इस गर्डर के साथ अटैच है। ठीक है, तो फिर क्या, एक वन व्हील विल यूज दिस ट्रेन गर्डर एंड द सेकंड व्हील विल यूज दिस गर्डर। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट पोजीशन में नहीं जाएगा बल्कि ये जो व्हील है ये इस तरह इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। समझ आ रही है, द ट्रेन विल फॉलो दिस डायरेक्शन। दिस पैन, ठीक है, द ट्रेन विल फॉलो दिस डायरेक्शन। अब यहां पे आप देखें, जब ये स्विच रेल इस गर्डर के साथ अटैच होगा तो तब क्या होगा, और इसके साथ अनअटैच्ड होगा, जिसके साथ अटैच होगा तो उस साइड का व्हील जो है वो उस गर्डर को फॉलो करेगा, यानी उस पॉइंट पे ये टंग रेल के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर लेगा। तो जब ये टंग रेल के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर लेगा तो ये जो दो और दूसरे साइड पे ये जो ब्लू है वो उसके ऊपर, तो पहिया वैसे ही ये पीछे से ही उसी के ऊपर आ रहा है, तो इस तरह जो है ट्रेन खुद बहुत अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगी। अब अगर उसने सीधा जाना है तो सीधे जाने के लिए क्या होगा, दिस टंग रेल, ये मैं अभी कलर चेंज कर लेता हूं, मैं चला जाता हूं ब्लू की ओर, नहीं अच्छा, तब क्या होगा, तब ये जो है वो इस साइड पे अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, जब ये इस साइड पे अटैच कर दिया जाएगा तो जो ट्रेन है वो किस तरह मूव करेगी, एक पहिया इसके ऊपर आएगा और दूसरा पहिया जो है वो इस ब्लू के ऊपर आएगा। सो दिस इज हाउ द ट्रेन विल मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन। इट इज क्लियर नाउ, जिस साइड पे ये अटैच होगा, इन शॉर्ट आप ध्यान में रखें, जिस साइड पे ये अटैच होगा उस साइड पे जो व्हील है वो मेन गर्डर यानी स्टॉक रेल को यूज नहीं करेगा बल्कि स्विच रेल को यूज करेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ट्रेन चेंजेस इट्स पोजिशन। ठीक है, जो है एंड दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड द पॉइंट और टर्न आउट। दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड द पॉइंट एंड टर्न आउट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो यू मस्ट आस्क। ठीक है, अदरवाइज फिर हम क्लास को वाइंड अप कर लेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।